एसडीएम अनुभाग एवं तहसील के संयुक्त कार्यालय के अहाते में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 49 वर्ष पुराना पटवारी संघ बहरी आज भी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ निकाय के आह्वान पर अपने बैनर तले बैठा हुआ है। विगत जानकारी के तौर पर बताना उचित होगा कि ये संघ मध्य प्रदेश पटवारी संघ प्रांतीय निकाय के आह्वान पर विगत 28 अगस्त 2023 से आज 28वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर तटस्थ दिखाई दे रहा है। संघ तहसील अध्यक्ष रामदीन भगोरिया द्वारा बताया गया कि हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर 22 अगस्त 2023 के दिन तहसीलदार पोहरी अजय कुमार परसेंडिया को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम सर्वप्रथम ज्ञापन सौंपा गया। जनजातीय चरण पादुका का कार्यक्रम में माननीय द्वारा मांगों के निराकरण हेतु आश्वासन भी दिया गया। मांगों के क्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश राठखेड़ा को 6 सितंबर को एक ज्ञापन सौंपा गया। माननीय द्वारा आश्वासन देते हुए कहा गया कि मेरे द्वारा आपकी समस्याओं को कैबिनेट में रखा जाएगा तथा इनके निराकरण के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाएंगे। वहीं पटवारी संघ के सचिव अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि प्रादेशिक जनयात्रा के दौरान संगठन द्वारा 13 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के गृह विधि जेल व संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा तथा संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद पटेल व राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को मुख्यमंत्री महोदय के नाम पुनः ज्ञापन सौंपा गया है। पटवारी संघ द्वारा रखी गई 5 सूत्री मांगों में वेतनमान 2800 ग्रेड पे, समयमान, पदोन्नति, भत्तों में बढ़ोतरी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यानी हड़ताल पर पटवारी बैठे हुए हैं, ये कब से बैठे हुए हैं और क्या क्या कुछ मांगे हैं सरकार से आपकी? हमारे आज 25 दिन पूरे हुए हैं हड़ताल के और ये एक ही मांग है हमारी, वेतनमान 2800 पे ग्रेड की जाए। हमारा वेतनमान जो है पिछले 25 साल से नहीं बढ़ाया गया है और हमारे जो पेट्रोल का खर्चा है 300 रुपये महीना मिलता है, जबकि आप देखते हैं पेट्रोल की रेट 111 रुपये चल रही है। और आपका जो है मकान का भत्ता जो है वो केवल 258 रुपये है, तो 258 में आजकल क्या एक दिन का किराए का कोई धर्मशाला में ही अपना कमरा नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है कि पटवारी बहुत त्रस्त है इस समय। कई लोग हमारे साथी हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके क्या बोलते हैं आह्वान जिला के हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं गोपाल प्रधान जी, तो वो क्या बोलते हैं उनका कहना यह है कि जब तक हम लोग इसमें आहूति नहीं देंगे तब तक कुछ मांग हमारी मानी नहीं जाएगी। आहूति यही है कि हम अपना कार्यकाल जो हमारे चल रहा है उसमें अपना समय हड़ताल के लिए दें। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है समय से तो आप क्या करोगे फिर? इसमें यह है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मान, हम केवल याचक हो सकते हैं, तो हम कोई पावर तो है नहीं है, अपनी बात रख सकते हैं सरकार के सामने और नहीं मानती है तो भगवान से कहेंगे कि वो सदबुद्धि दे हमारी बात मांग मान।